मैं मोहम्मद अरशद अदीम साहब को दावत देता हूं कि वो आगे तशरीफ ले आए। जनाब अरशद अदीम साहब कौम का फख्र है। आप वो पहले और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनफरादी खेलों में मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता है। इस जीत का सहरा आपकी साल साल की अंतक मेहनत, लगन और इस्तकामत के सर है। आप इस्लामाबाद मुनाकिदा 2015 की कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अपना पहला तलाई तमगा जीतकर एथलेटिक्स के उफक पर नमदार हुए। आपकी खुदादाद सलाहियतों की शनाख्त करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको अपने एलीट पूल में शामिल किया और फिर यहाँ से आपकी अंदरून और बैरून मुल्क तरबियत और कोचिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसने आपकी सलाहियतों और काबिलियत को मज़ीद निखार दिया। आप 2015 से जैवलिन थ्रो में कौमी चैम्पियन हैं और तब से अब तक 10 बार कौमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आपकी जीत के सिलसिले में साउथ एशियन गेम्स 2016, एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2016, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम 2017 और एशियन गेम्स 2018 में कांसी के तमगे शामिल हैं। आप 2019 में नेपाल में मुनक़िदा जनूबी एशियाई मुकाबलों में नए रिकॉर्ड के साथ तलाई तमगा जीतकर 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान एथलेटिक्स की तारीख के पहले खिलाड़ी बने थे। उस चैम्पियनशिप में आपने 5वीं पोजीशन हासिल की, मगर आपने मेहनत जारी रखी और अपनी बेपनाह लगन से 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाई तमगा जीता और 90.18 मीटर की थ्रो के साथ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। इस शानदार फतह के बाद 2022 में तुर्की में होने वाले 5वें इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स में तलाई तमगे के साथ आपने नया रिकॉर्ड भी कायम किया। अपनी कामयाबी के सफ़र को जारी रखते हुए जनाब अरशद नदीम ने 2023 में हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया। अपने गैर मामूली कैरियर के दौरान जनाब अरशद नदीम ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 5 तलाई, 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीते हैं। आपकी इन कामयाबियों के एतराफ़ में 2022 में आपको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आपने अपने शानदार कैरियर के उरूज का मुजाहरा पूरी दुनिया के सामने किया और तारीखी फतह हासिल की। अल्लाह के फजल से आपने किसी भी इनफरादी खेल में पाकिस्तान के लिए पहला कीमती ओलंपिक्स तलाई तमगा जीता। आपने 92.97 मीटर की शानदार थ्रो का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और एक नई तारीख रकम की। अपनी इस आलमी कामयाबी के बिना पर आप पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र और खुशी का सबब बने। आप पाकिस्तानी नौजवानों और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मशाल राह हैं। आपकी तारीखी फतह नौजवानों में इनफरादी खेलों में दिलचस्पी लेने और अपने मुल्क के लिए मजीद दरख्शां बाब रकम करने में मददगार साबित होगी। मेरे लिए ये ऐलान बाइस एजाज़ है कि खेल जैवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मैं जनाब अरशद नदीम साहब को दावत देता हूं कि आइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। सदर मामलिकत, आपकी इजाज़त हो
تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے. خواتین و حضرات, اس خصوصی تقریب کا اختتام کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. ان کو ہلال امتیاز عطا کرنے کی تقریب جاری ہے, اور صدر آصف زرداری اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز بھی ان کی جانب سے دیا گیا.